नोबिता, क्या तुम मछली पकड़ने जाना चाहते हो? क्या तुम नहीं जाना चाहते? मैंने कहा मछली पकड़ने तालाब पर। चुप रहो डोरेमोन, मुझे तंग करना बंद करो। पर तुम कर क्या रहे हो? खुद देख लो डोरेमोन। ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स क्या हैं? मैं समझ गया, ये तो बस एक मॉडल है नोबिता। ठीक कहा डोरेमोन, ये एक ट्रेन का मॉडल है। ये मॉडल मेकिंग सेट है, मुझे बहुत पसंद है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये तुम्हें किसने दिया? अंकल नोबिरो ने। इस ट्रैक के बाद पेड़ और घर लगाने हैं, ऐसे। अब ये हो गया है। ये अब बस पावर बैग जोड़ना है। ठीक है। मैं इसे यहाँ पर ऐसे जोड़ दूंगा। अब ट्रेन चलाएंगे। बहुत बढ़िया। शायद ये छोटा है लेकिन बिल्कुल असली लगता है। चलो शुरू करें। ये काम बन गया। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना? आइडिया। क्या सचमुच ऐसा हुआ? हाय सुनो दोस्तों, मुझे तुम्हें कोई बहुत खास चीज दिखानी है, जल्दी चलो। कुछ दिखाना चाहते हो? हाँ। लेकिन तुम हमें क्या दिखाओगे? वैसे भी तुम जो भी चीज हमें दिखाते हो वो इतनी बढ़िया नहीं होती है, क्यों जियान? ए, तुम ऐसा नहीं कह सकते। क्या एक मॉडल ट्रेन सेट बढ़िया चीज नहीं है? क्या मॉडल ट्रेन सेट? हाँ? क्यों तुम लोग हैरान हो ना, मेरे पास एक 9 mm का मॉडल ट्रेन सेट है। मैं जानता था तुम्हें मॉडल ट्रेन सेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है नोबिता। हाँ? क्या मतलब? देखो नोबिता, मेरे सामने फालतू बातें तो मत करो। जब तुम मेरा मॉडल ट्रेन सेट देखोगे तो हैरान हो जाओगे। क्या? हाँ? वाह! कितना सुंदर है ये मॉडल सेट, तो कितना असली लग रहा है। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर तुम्हें एक मॉडल ट्रेन सेट बनाना है तो तुम्हें कम से कम इतनी जगह की जरूरत तो पड़ेगी ही। तुम्हारा घर इतना बड़ा तो है नहीं, तो तुम इसे कैसे बना पाओगे नोबिता? ये गलत बात है डोरेमोन। मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। पर अब तुम रोना बंद करो नोबिता। तो तुम करो ना कुछ डोरेमोन, मुझे सुनियो से बहुत बड़ा मॉडल ट्रेन सेट चाहिए, दिलाओ ना। बस तुम देखते जाओ। पॉप अप बेसमैन। इस रूम में हम सुनियो को बंद कर देंगे। हाँ ठीक है। बस करो नोबिता, इतना काफी होगा। अब तुम कैसे बचोगे सुनियो? अरे रुक जाओ। काम हो गया, चलो अंदर चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो, जल्दी अंदर आओ। हाँ आ रहा हूँ। नोबिता जल्दी नीचे आओ ना। तो कहो क्या ख्याल है? ये तो बहुत बड़ा है। अगर मैं इसे पटरियों से भर दूं तो ये एक बड़ा लेआउट बन जाएगा। लेकिन डोरेमोन, इतनी सारी पटरियां खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ये मुझ पर छोड़ दो। रिप्रोड्यूसिंग मिरर, इसका रिफ्लेक्शन जितनी चाहो उतनी पटरियां बना देगा। लेकिन घर और पेड़ों के लिए क्या करेंगे डोरेमोन? बस इतनी सी बात, ऐसा करो मेरे साथ आ जाओ। अरे रुको डोरेमोन, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ हम लोग क्या करने वाले हैं? हम शहर की फोटोग्राफ लेने वाले हैं। इंस्टेंट मिनिएचरिंग कैमरा। हाँ? इस कैमरा से ली गई हर चीज की छोटी फोटोग्राफ बाहर आती है।
हमें पूरे शहर का मॉडल मिल गया। इसे सेट करने में बहुत वक्त लगेगा ना? हाँ नोबिता, मेरे ख्याल से पूरा एक हफ्ता लगेगा। एक हफ्ता? मैं इंतजार नहीं कर सकता। ला 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 ला, मैं घर आ गया। अब मैं बाकी का पूरा कर लूंगा। नोबिता, नोबिता। वो फिर यहाँ नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चला जाता है, शरारती कहीं का। वो जहाँ कहीं भी हो मॉम, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कहीं वो सो ना रहा हो। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। ये पॉलीस्टाइरीन बिल्कुल भी बाहर नहीं लग रहा, अब हम क्या करें? देख लेना नोबिता, थोड़ा सा चेप देने के बाद ये बिल्कुल पहाड़ जैसा ही लगेगा। रंग भर दो। हाँ, ये क्या है? अभी पेंट करेंगे, पाउडर डालेंगे और पेड़ लगाएंगे। ये ब्लू डाई में मिला सिलिकॉन है, सूख जाने के बाद ये बनेंगी नदियाँ, सागर और झीलें। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। क्या कोई खास चीज देखने के लिए हम तुम्हारे साथ आ जाएं? तुम लोग देखकर हैरान रह जाओगे। ठीक है, अगर मैं इम्प्रेस नहीं हुआ तो तुम मुझे एक सोडा कैन दे सकते हो। और मुझे भी। अच्छा ठीक है। घबराओ मत शिज़ुका, ये दोनों उस चीज को देखकर जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे। कितना अच्छा है। यकीन नहीं होता। क्यों दोस्तों, तुमने जिंदगी में इतना अच्छा मॉडल कभी देखा है? डोरेमोन, जरा इस मॉडल को हमें चला कर दिखाओ। जरा एक मिनट रुको, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाँ, हम अपने आप को श्रिंक कर सकते हैं जिससे कि हम इसकी सवारी कर सके। क्या? मैं जरूर करूंगा। मैं भी करूंगी। हे सुनियो, तुम नहीं चलोगे? क्या, मुझे सवारी नहीं करनी? जैसा तुम चाहो, लेकिन बाद में पछताना मत। सुनियो चलो भी। मैंने कहा चुप रहो, मैं सवारी बिल्कुल नहीं करूँगा। जल्दी से चढ़ जाओ, इस रिमोट कंट्रोल को तुम संभालो। क्या मैं इस रिमोट से ट्रेन चला सकता हूँ? हाँ, पर संभल कर चलाना, समझे? ठीक है, मैं संभल कर चलाऊंगा। चलो चले। ऐसा लग रहा है कि हम असली ट्रेन की सवारी कर रहे हैं। देखो देखो, हम स्टील ब्रिज पर आ ही गए। पुल पार करने के बाद हम शहर के बाहर होंगे। सिर्फ 40 मिनट में हम इस ट्रेन से पूरा शहर घूम लेंगे। सिर्फ 40 मिनट? ये! क्या तुम अब भी सवारी करना नहीं चाहते? हाँ? अरे वो देखो डोरेमोन। ये ठीक नहीं है, अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं क्या करूं? जितनी ट्रेन नजदीक आ रही है उतना ही खतरा बढ़ रहा है, और रिमोट कंट्रोल तो नोबिता के पास है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। डोरेमोन, मुझे छोटा बना दो। क्या? तेजी से मेरी तरफ आ रही है। वो देखो सुनियो। अरे ट्रेन रुको, आगे रास्ता खत्म है। रुक जाओ, आगे खतरा है। रुक जाओ नोबिता, रुक जाओ, अपनी ट्रेन रोक दो। अरे ट्रेन को रोको। शुक्रिया सुनियो, तुमने हम सबको बचा लिया। हाँ, अगर तुम वहाँ नहीं होते तो बुरा होता। मैं तो सोच कर ही कांप गई थी। मुझे भी नहीं पता शिज़ुका कि उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मुझे तो बस तुम लोगों को किसी भी तरह बचाना था। हमें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया सुनियो। दोस्त किस तरह के लिए होते हैं? लगता है ये सब लोग फिर दोस्त बन गए हैं। इस बार नोबिता बहुत मन लगा कर मेहनत कर रहा है, मुझे भी बहुत खुशी है। हो गया। इस बार तुमने क्या बनाया नोबिता? मैंने बेड डालकर एक स्लीपिंग कैरिज बनाया है।
क्या एक स्लीपिंग कैरेज? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी स्टोरीज हमेशा ऐसे ही खत्म क्यों होती हैं?